अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर अशरफ साहब बोल रहे हैं। जी मेरी जान बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर मैं विहारी से बात कर रहा हूँ, अपना आशरफ। जी जी फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं जी? डॉक्टर साहब सॉरी, आपके पास टाइम भी थोड़ा है, एक बजे जुमा पढ़ना होगा, लेकिन सिर्फ तीन मिनट है आपके पास। जी जी हमारी बस थोड़ा सा ही मसला, बकरी जो है ना वो ना अपने बैठ गई है, चल नहीं सकती। अच्छा जी, तो उसको उठा देते हैं, चल पड़ेगी इंशाल्लाह, चढ़ेगी चलेगी, ठीक है। आप उसको कैरा सिल का टीका लगाएं। कैरा सिल? हाँ कैरा सिल। जी बेहतर हो गया। कैरा सिल का टीका लगाएं और इसको और भी साथ इसको एमईवाई काम। हाँ एमईवाई काम का भी टीका लगवा दें, इंशाल्लाह उठेगी जनाब मेरी जान, दौड़ेगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। और इसको खुराक दें, खुराक में थोड़ा निटाफॉस पाउडर वो उसका एडिशन कर दें, थोड़ी सी 20 ग्राम खुराक में निटाफॉस या कोमी कैल्सीवेट उसका ये डालें। जी बेहतर हो गया, ठीक है मेरी जान। इंजेक्शन रिपीट कर दें, कैरा सेल, चलो कैरा सेल लगाएं, ये याद रखें बस, कैरा सेल CARASIL। जी जी समझ गया, कैरा सेल, ठीक है। कितने इंजेक्शन लगाए? ये 5-6 दिन लगाए, डेली एक लगाए, रोजाना एक, डेली लगाए एक। जी गोश्त में लगा रहे हैं? गोश्त में, इंट्रामस्कुलर लिखा होगा उस पे। जी 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 ठीक है। और वेट के हिसाब से होता है, या वेट देख लें कि 1 ml पर 10 kg वो लिखा होगा, या जितना भी है लिखा हुआ, 1 ml 1 cc 10 kg वेट पे वो नॉर्मली ये होता है। लेकिन ये अगर फिर भी देख के जितना उस पर रिकमेंड किया हुआ है, जो उन्होंने डायरेक्शन दी हैं उसी हिसाब से वो टीका लगवा दें। जी बेहतर, ठीक है मेरी जान। और कोई, और उसकी खुराक अच्छी करें, सर्दियां हैं, सर्दियों से बचाएं। उसके लिए आजकल मैं बता रहा हूँ कि मुरुंडा वगैरह बना लें इसका, ये तारा मीरा के बीज हैं वो मिल जाते हैं, उनको भुने और उनमें शक्कर मिला के या गुड़ मिला के, और अगर थोड़ा बहुत देसी घी भी मिले तो हल्का फुल्का वो भी डाल के, और अच्छे से मुरुंडे बना के उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं, सर्दी से बचें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लें जी, अब आज 20 दिसंबर 2019 जुमातुल मुबारक और 1 बज चुका है, और इस आज के इन कॉल्स का PARC हेल्पलाइन 0333-5121-879 ये है हमारा और आपका राबते का नंबर। तो इसका इख्तिताम करते हैं, अल्लाहु अकबर, कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से। यह सूरा नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खियों को। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अदल और इंसाफ और एहसान करने का हुक्म देता है। सूरा नहल, और इसी तरह सूरा हुजरात में, और तुम इंसाफ करो, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। सूरा हुजरात, मौजू है इंसाफ करने वाले हुक्मरान का बयान। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। कल मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन कल सैटरडे संडे देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो कल भी मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को जारी रखूं, नहीं तो एज़ यूजल मंडे को 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, बशर्ते के ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमा अल्लाह।
ये चैनल पाकिस्तानी ज़राअत से मुतालिक मालूमात का एक अनमोल खजाना, जिसमें फसलात, सब्जियात, बागात, कुदरती वसाइल, ज़रई मशीनरी, हैवानात, मुर्गबानी, माहीगीरी, मत्स्यबानी और किसानों के रोज़मर्रा मसाइल का हल मुल्क के मारूफ ज़रई साइंसदान डॉक्टर अशरफ साहिबजादा रोज़ाना दिन 11 बजे से 1 बजे बाद दोपहर माँ सवाए जुम्मा के बताते हैं। फ़ोन नंबर 0333-512-1879।